नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का अभिनंदन स्वागत। क्लास एट सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट फर्स्ट लेसन फर्स्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगेन एंड एनिमल्स वर वर्किंग फॉर humans. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज wits एंड इन द बिगनिंग वेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट beginnings to work for man. There was camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles and when anybody spoke to him he said hump, just hump. And no more Presently, horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, camel, come out and trot like to rest of us. To him with sticks his mouth and said, Camel, oh camel, come and Fetch and carry like the rest of us. Hum said the camel and the dog went away and told the man. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, neck and said, Camel, oh camel, come and plug like the rest of us. Hump said the camel and the ox went away and told the man. ये अपना जो पार्ट था। अब इस पार्ट में अपन ने जो पढ़ा इसमें आपके सामने एक्सरसाइज के रूप में डिफिकल्ट वर्ड आए। डिफिकल्ट वर्ड में पहला जो वर्ड है एच यू एम पी एच हम्प यानी कुबड़, डी ई एस सी आर टी डेजर्ट यानी रेगिस्तान, टी एच ओ आर एन एस थॉर्न्स यानी कांटे, प्रिंकल्स पी आर आई सी के एल ई एस प्रिंकल्स यानी कांटे, स्टिक्स एस टी आई सी के एस स्टिक्स यानी छड़ी, वाई ओ के ई योक योक यानी रफ्तार। अब सेकंड देखेंगे तो इसमें ग्रामर के रूप में अपने सामने वर्ब का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसमें अपन इसको इंग्लिश के स्पोकन के भाषा के हिसाब से भी समझा सकते हैं। Eat, ate, eaten, live, lived, lived, speak, spoke, spoke, listen to the music, speak, spoke, spoken, say, said, listen to the music, say, said, said. अब जो मैंने वर्ब ये जो बोली है ऐसे आपको भी इसमें से होमवर्क के रूप में पांच वर्ब्स इसमें से कलेक्ट करना है जो आपको इस टॉपिक में ढूंढने के बाद में लिखना। फिर तीसरा इसमें टॉपिक देखते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। प्रीपोजिशन जिसमें ऑन का प्रयोग हुआ है, ऑन यानी ऊपर। सामान्यतः ऑन का प्रयोग एक कोई वस्तु किसी टेबल या किसी अन्य वस्तु के चिपकी हुई है टच में है तब होता है। दूसरा सप्ताह के नाम से प्रयोग से पहले होता है। इस पार्ट में अपने सप्ताह के नाम से पहले प्रयोग हुआ है। एग्जांपल जैसे ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे अट्रैक्ट। ऐसे ही सफिक्स प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर हुआ है जो किसी शब्द के अंत में लगकर और उसके मूलार्थ में परिवर्तन करे वो सफिक्स कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ में अपन ने एलवाई जोड़ा तो प्रेजेंटली बन गया। ऐसे केयरफुल के साथ में एलवाई जोड़ा तो केयरफुली बन गया। आपको भी
इस टॉपिक के अंदर से ऑन के एग्जाम्पल के 5 उदाहरण छांटने हैं, दूसरा 5 सफिक्स जो किसी शब्द के पीछे LYA, FUL, TION, ऐसे शब्द जोड़कर 5 एग्जाम्पल आपको कलेक्ट करने हैं, छांटने हैं। अब आपका होमवर्क के रूप में जो ये 2 मैं प्रश्न दे रहा हूं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, जिसको आपको देखकर उसका उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, Why did camel live in the middle of the desert? तो इसका उत्तर आप इसमें से देखकर लिखेंगे, Why did camel live in the middle of the desert? यानी रेगिस्तान के बीच में ऊंट क्यों रहता है, उसका कारण। दूसरा प्रश्न है, When was the horse came morning? सुबह के समय ऊंट कब आया? When was the horse came morning? कब आया, सुबह के समय कब ऊंट आया? ऐसे आप देखोगे तो आपको इसके उत्तर पैराग्राफ में से मिलेंगे। ये अपने जो आज का था, ये पहला पार्ट है, लेसन फर्स्ट का पहला पार्ट, जिसके अपन ने अभी 2 पैराग्राफ पढ़े। इसका उत्तर ध्यानपूर्वक पहले समझेंगे, फिर इसके अंदर से उत्तर आप लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।